स्वागत है साथियों आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आपकी आगामी परीक्षा टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड या फिर यूजीसी के एनटीए के द्वारा प्रस्तावित नेट जेआरएफ के लिए डीएसएसबी के लिए या फिर राजस्थान में चल रही टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए आज से हम जिस बैच की शुरुआत करने चल रहे हैं उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करने वाले हैं आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ काल विभाजन एवं नामकरण पर। अक्सर आपके परीक्षा में एक प्रश्न तो फिक्स है कि यहां से पूछा ही जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ से आपसे पूछ लेता है कि इस ग्रंथ के रचयिता कौन है या इसकी भाषा कौन सी है। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, वे साथी जो हमारे इस बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं या प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के द्वारा ये नंबर जो आपको दिख रहा है 9415800659 9415800659 पर आपको एंट्री हिंदी लिख करके भेजना है, जहां से हमारे टेक्नीशियन आपसे जल्द से जल्द संपर्क करेंगे और आगे का क्या प्रोसेस है उसे बताएंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति। अब देखिए जब हम बात इतिहास लेखन की पद्धति की करते हैं तो जो लेखन पद्धतियां थी मुख्यतः चार प्रकार सी थी। अब कौन सी पद्धति को किसने कितना प्रामाणिक माना और कौन सी पद्धति प्रामाणिक है, कौन सी पद्धति अप्रामाणिक है और किसको लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताया, हर एक पहलुओं पर आपसे चर्चा पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की चार पद्धतियां मुख्य रही हैं। कौन कौन सी चार पद्धतियां रही हैं? नंबर एक आपको दिख रहा है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण, वर्णों के अकॉर्डिंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण अथवा अक्षर के बारे में मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया हुआ है। तो यानी जब आप वर्ण के अकॉर्डिंग जब इतिहास ग्रंथों को लिखते हैं तो वही आपका वर्णानुक्रम पद्धति होती है। तो इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है, जो वर्ण पहले आता है उसे ही पहले रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो किंतु उनका क्रम वर्ण के अनुसार इस प्रकार होगा। जैसे अब आप देखेंगे कि तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ का से शुरू हो रहा है, इसलिए पहला नाम आप केदारनाथ सिंह को रखेंगे, फिर दूसरा नाम चिंतामणि त्रिपाठी को और तीसरा नाम तुलसीदास को रखेंगे। तो ये है वर्णों की पद्धति। अब ये पद्धति ज्यादा सही नहीं पड़ी, उसका कारण क्या रहा है? इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं शब्दकोश लेखन की तरह होती है। जब आपको हिंदी शब्दकोश पद्धति पढ़ाया गया तो उस शब्दकोश के अंतर्गत हमने बताया कि कौन से वर्ण आपकी वर्णमाला में पहले आते हैं और कौन से वर्ण वर्णमाला में बाद में आते हैं शब्दकोश के अंतर्गत। ना जैसे आप इंग्लिश में अल्फाबेटिकल सेक्शन के अंतर्गत आप अक्सर पढ़ते हैं ABCDEFGH ना, तो अब इस पद्धति को लोगों ने ऐतिहासिकता की दृष्टि से असंगत माना यानी संगत नहीं माना गया। उसका जो सबसे बड़ा कारण रहा उसका कारण यही रहा क्योंकि अब आप कैसे किसी के नाम के आधार पर, नाम के वर्ण के अक्षर के आधार पर उसको पहले कर देंगे और किसी को बाद में कर देंगे इस कारण से। तो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रयोग भी किया है। आपसे पूछा जाता है कि किसने किसने इसका प्रयोग किया, तो गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर, अभी हम आगे इन पर चर्चा करने वाले हैं। गारसा दत्तासी जैसा कि प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ की जब बात आती है तो गारसा दत्तासी के एंदुस्तानी की बात आती है, अभी हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। शिव सिंह सेंगर की बात करेंगे तो 1983 में इनकी जो आई शिव सिंह सरोज उसके कारण जो है, तो ये दोनों रचनाएं जो मानी जाती हैं इसमें कौन से पद्धति का प्रयोग हुआ है, तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। कभी कभार आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्णानुक्रम पद्धति में कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं हम कालानुक्रमी पद्धति। अभी तो हमने वर्णानुक्रमी पद्धति पर बात की यानी वर्णों के आधार पर। काला का मतलब क्या होता है? समय के आधार पर, समय के आधार पर। अब समय का मतलब कैसे? समय के आधार पर जो कवि जब पैदा हुआ उस कवि के समय के अनुसार अब रखा जा रहा है। जैसे देखिए इनमें रचनाकारों का विवरण उनके काल समय के क्रम में दिया जाता है, रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है साथ?
साथियों, अगर मान लीजिए बहुत सारे कवियों के बारे में जब आप बात करते हैं, जब हम भक्ति काल की चर्चा कर रहे होते हैं, तो आप देख रहे हो कि कुंभन दास जी अपने गुरु से भी बड़े हैं, तो अब क्या करेंगे आप, उनको पहले या सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। दस ही दिन छोटे केवल जो है सूरदास जी हैं, तो वहां पर ये समस्या सबसे विकराट समस्या होती है जब आप काल को जो है तवज्जो देते हैं। तो इस आधार पर जो है इसे भी जो है श्रेष्ठ ना मानते हुए विद्वानों ने इसको भी जो है नकारा, लेकिन पद्धति में क्योंकि यूज किया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्टर बंधुओं ने, जॉर्ज ग्रियर्सन की बात आती है और मिस्टर बंधु की बात आती है, तो इन्होंने इसका प्रयोग किया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलते हैं, यानी विधेयवादी पद्धति भी दिखती है, लेकिन ज्यादातर प्रयोग इन्होंने इसी का किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है, जॉर्ज ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था वह अंग्रेजी भाषा में था, और मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद जो है लगभग उसमें कहा जाता है 4591 कवि, यानी लगभग 5000 कवियों का सबसे इतिवृत्तात्मक सबसे बड़ा ग्रंथ भी माना जाता है। तो उसके भी फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण रहा वह यही रहा कालानुक्रमी पद्धति के कारण। बात करते हैं अब हम अगले पॉइंट पर, वैज्ञानिक पद्धति पर। तो देखिए, इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन ही नहीं बल्कि उसकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है, अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया। अब बात जब वैज्ञानिक पद्धति की जाती है, तो उसके फेल होने का कारण ये रहा कि इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत तो कर देता है, लेकिन क्या केवल इतिहास लेखन में संकलन को ही लिखना परिपक्व होता है या पर्याप्त होता है? नहीं, इस आधार पर जो है जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसे भी प्रमाणिक ना माना गया, यानी सबसे अच्छा नहीं माना गया। तो अभी तक हमने पद्धतियों में तीन पद्धतियां पढ़ ली, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, और अब जाकर के हमने देख लिया जो है आपके बीच में जो है कि किस तरीके से जो है आप प्राप्त कर रहे हैं कि वैज्ञानिक पद्धति भी है। आइए अब बात कर लेते हैं सबसे अच्छी पद्धति, विधेयवादी पद्धति, जिसको वैज्ञानिकों ने या इतिहासकारों ने सबसे ज्यादा तवज्जो दिया है, सबसे ज्यादा जिसे प्रमाणिक माना जाता है। फ्रेंच विद्वान टेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। किसने? फ्रेंच विद्वान टेन ने। किसने किया है? टेन ने किया है। टेन ने इस पद्धति को तीन शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। कौन से तीन शब्द हैं? जाति, वातावरण और क्षण विशेष। जाति का कहने का मीन्स यहां केवल कास्टिज्म से नहीं है, जाति कहने का मतलब जो जिस वर्ग की बात कर रही है, जाति कहने का मतलब वर्ग की बात हो रही है। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना जाता है। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है, कई मरतबे पूछा भी गया है, इतिहास लेखन की दृष्टि से सबसे प्रामाणिक पद्धति या सबसे विकसित पद्धति, सबसे व्यापक पद्धति या सबसे स्पष्ट पद्धति कौन सी है? तो वह विधेयवादी पद्धति ही है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम विधेयवादी पद्धति का समुचित प्रयोग किसने किया, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि इनका 1929-1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आपको दे दे कि इनमें से कौन सी इतिहास ग्रंथ को सबसे अधिक प्रामाणिक माना जा सकता है, या सबसे अधिक जो है उस पद्धति को तवज्जो दिया जाएगा। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करेंगे। आइए बात करते हैं उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्य इतिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। अब देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी क्या लिख रहे हैं अपने साहित्य के बारे में? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक उनका संकलन
सामंजस्य बिठाना ही साहित्य कहलाता है। तो देखिए साहित्य की एक तरीके से जब हम काव्यशास्त्र पढ़ते हैं तो काव्यशास्त्र के अंतर्गत जब हम साहित्य का वर्गीकरण किए हैं तो वहां पर बहुत अच्छे से अध्ययन भी करते हैं, आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा। फिर भी आप ये जानते हुए चलिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि साहित्य के बारे में पूछा जाए, कई मर्तबे कथन पूछा जाता है, तो वहां पर ये प्रश्न आपका अच्छे से बन जाएगा। आइए बात करते हैं अब हम रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन की बारे में। तो देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। अब देखिए यहां से बातें क्लियर हुई तो हमने बात किया आपसे साथियों हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए जो चार पद्धतियां थी उन पद्धतियों के बारे में। आप सभी बच्चे एक बार थंब का निशान दें, बताएं इतनी सी बातें आप सभी बच्चों को क्लियर है, आशा और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए क्योंकि हम ऐतिहासिक ग्रंथ की चर्चा करने चल रहे हैं। आप देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने से पूर्व लगभग आपको 15 से 20 ऐसी रचनाएं मिलेंगी जो यह प्रूफ करती हैं या सिद्ध करती हैं कि वह इतिहास लेखन की पहले की बातें हैं। लेकिन इतिहास की दृष्टि से जिन जिन चीजों को समग्रता से लिया जाता है उनकी कमी होने के कारण उनको ऐतिहासिक ग्रंथ का दर्जा नहीं प्राप्त है, अपितु उसके बावजूद भी वो रचनाएं जो हैं ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ ना कुछ अपना महत्व अवश्य रखती हैं। आइए प्रश्न भी कई मर्तबे पूछा हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख ग्रंथ भक्तिमाल से ही मिलने लगते हैं। आप देखिए भक्ति काल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता, इन्हीं की रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। तो देखिए अगर आप देखेंगे 84 वैष्णवन की वार्ता या 252 वैष्णवन की वार्ता, ये भक्ति काल में ही आप चर्चा कर रहे हैं तो वहीं से ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में इसे भी देखा जा सकता है। और नाभादास की रचना है भक्तमाल, किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। इसमें कवियों का ही विवरण केवल दिया गया है, कवियों के बारे में हर बातें नहीं बताई गई। इस आधार पर विद्वानों ने इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना है या इसको जो है अप्रमाणिक मान दिया या इसको इतिहास ग्रंथ का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। इतनी सी बातें क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे गोकुलनाथ हैं, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। आइए आगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ कब से माना जाता है? तो 19वीं सदी में गार्थ्य दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार द ललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी से माना जाता है। कहां से? जो इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है या आपसे जो है प्रश्न पूछा जाता है कि कहां कौन सी रचना के साथ, कौन से ग्रंथ के साथ या कौन सी भाषा में, तो इस्तवार द ललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी के साथ मानी जाती है। आइए अब हम ऐतिहासिक ग्रंथों पर बहुत ही विधिवत तरीके से, मार्मिक तरीके से एक एक पॉइंट पर आपसे चर्चा पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे पहले आप देखिए, पहले ही ग्रंथ की बात आती है, गार्सा द तासी की बात करते हैं। आप सभी चाहें बच्चे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट के लिए आपको नहीं परेशान होना है, आप इसका पीडीएफ हमारे एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान के टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां से आप इसका हूबहू पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या बैस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मैंने नंबर आपको दिया था 94158600659। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप बैच से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बातें? आइए आगे बढ़ें। देखिए बात करते हैं गार्सा द तासी के ग्रंथ की, बहुत बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे साथियों, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
उनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार दललितेतिर एंदुई एंदुस्तानी। कौन सा ग्रंथ है? इस्तवार दललितेतिर एंदुई एंदुस्तानी। आइए, इस्तवार दललितेतिर एंदुई एंदुस्तानी, यहां से हिला दिए तार उसको, जो है इधर से तार हिल गया वाला। चलिए आइए, गारसा दत्तासी का ग्रंथ है इस्तवार दललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में है। कौन सी भाषा में है? पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जा सकता है कि गारसा दत्तासी किसका, इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने किया? गारसा दत्तासी ने किया। कौन सी भाषा में किया? फ्रेंच भाषा में किया। उनके ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार दललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी। इस्तवार दललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी। तो देखिए, प्रथम संस्करण, अब देखो ये दो संस्करण में प्रकाशित हुई, पहले तो आप ये चीजें जानिए। इस्तवार दललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी दो संस्करण में आई। पहले संस्करण में ये दो भाग में प्रकाशित हुई, दूसरे संस्करण में ये तीन भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम संस्करण प्रथम भाग, अब प्रथम संस्करण प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में, प्रथम संस्करण प्रथम भाग का प्रकाशन सन 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। तो प्रथम संस्करण जो था, प्रथम संस्करण कहने का मीन्स क्या है, जैसे आपने देखा कि हमारी किताबें मार्केट में आई हैं, ठीक है, सपोज दैट, तो ये किताब अभी ये पहली संस्करण आई, पहले संस्करण में कितने भागों में आई? दो भागों में बट करके आई। अभी जैसे हमारी किताबें 10 भागों में प्रकाशित है ना, तो उसी तरीके से पहली संस्करण में ये दो भागों में बट कर आई, और पहले भाग का प्रकाशन जो हुआ वह 1839 ईस्वी में, जबकि दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में। यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, इस्तवार दललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में, पुनः संशोधित द्वितीय संस्करण। अब संशोधित द्वितीय संस्करण का मतलब क्या होता है? जैसे जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करके जब इसका द्वितीय संस्करण आया, तो वह तीन भागों में प्रकाशित हुई या तीन भागों में आई, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में, तथा संपूर्ण ग्रंथ को इसीलिए कहा जाता है कि तीन खंडों में विभक्त किया गया है। तो पहली चीज तो आप ये जानिए, अगर इस्तवार दललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी ग्रंथ की बात करते हैं, तो दो संस्करण में आई, पहला संस्करण दूसरा संस्करण। पहले संस्करण में ये दो भागों में प्रकाशित हुआ, पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में हुआ। और इसके बाद जो दूसरे संस्करण में आई, तीन भागों में प्रकाशित हुई, और वो उसका प्रकाशन जो हुआ 1871 ईस्वी में हुआ, 1871 ईस्वी में हुआ। कौन सी भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। तो अब आप कोशिश करिए, आप याद करते हुए चलिए, गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार दललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी। कौन सी भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। प्रकाशन कब हुआ? पहले संस्करण का प्रकाशन दो भागों में हुआ, 1839 और 1847 ईस्वी में। दूसरे संस्करण का प्रकाशन तीन भागों में हुआ, 1871 ईस्वी में। इतनी सी बातें क्लियर है। अब देखिए, प्रश्न आपसे कैसे बन सकता है, क्वेश्चन आपसे ये भी कह सकता है कि इतिहास लेखन का सूत्रपात किसने किया, शुरुआत किसने किया, प्रारंभ किसने किया? तो आप बताओगे गारसा दत्तासी ने किया। कब किया? तो आप चीजें क्लियर कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ाते हुए चीजों को आगे ले चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान, कैसे विद्वान थे? फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया है। तो देखिए कैसे दिया हुआ वर्णन जो है, तो ये अभी जो लेखन की पद्धति के अंतर्गत हमने बताया हुआ था आपको, वही चीज आप यहां देखने को पा रहे हैं, अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया। गारसा दत्तासी के ग्रंथ में कुल
738 कवियों का विवरण है। कितने कवियों का वर्णन है यह भी प्रश्न कई मरतबे पूछा गया है। 738 कवियों का वर्णन है जिनमें हिंदी के 72, हिंदी के कितने कवि हैं, हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षिण ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया। अब देखो यहाँ से भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का अनुवाद किसने किया, तो आप बताएंगे डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षिण ने। कब किया, 1952 ईस्वी में, 1952 में। कौन से पुस्तक के नाम पे, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। क्लियर है, बहुत बार ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी, जो इसमें एंदुई शब्द है ये आप जो देख रहे हैं, एंदुई के लिए हिंदवी अर्थात हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी अर्थात उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। कई मरतबे यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई शब्द का क्या अर्थ है या किस भाषा का शब्द है, तो आप यहां से भी प्रश्न जानने के लिए तैयार रहिए। इसे ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था। कहां पर प्रकाशित किया गया था, पेरिस में। किसकी तरफ से, कहां से आयोजन हुआ था, तो आप देख रहे हैं ब्रिटेन व आयरलैंड की, ब्रिटेन व आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसीलिए आगे चलकर आप पढ़ते हैं कि जब बात काल विभाजन और नामकरण की आती है तो वहां पर हम इनकी बात ना करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं और कहते हैं कि इतिहास लेखन का जो प्रयास है वो तो गारसा द तासी के ग्रंथ से मिलता है, लेकिन जो काल विभाजन की स्थिति बनती है आगे भी पढ़ने वाले हैं, वहां पर जो है गारसा द तासी का नाम ना आकर के जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात की जाती। क्लियर है, तो हमने बात किया आपसे एक ग्रंथ पर, एक रचना पर, इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ईमानदारी से बताइए आप सभी बच्चे, क्लियर है, हर एक पॉइंट क्लियर है साथियों। जब इसी तरीके से आप एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीन शॉट भी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता दिया, इसका PDF आप SP शुक्ला एजुकेट के टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं या संस्थान से कॉन्टेक्ट करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे ग्रंथ पर। अब मौलवी करीमुद्दीन पर चर्चा करते हैं। इनकी रचना है तज़किरा ई शुअराई हिंदी। मौलवी करीमुद्दीन का जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वह है तज़किरा ई शुअराई हिंदी। कब प्रकाशित हुई, सन 1848 ईस्वी में। इसे तब का सुअरा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नेट JRF में एक मरतबे पूछ लिया कि तब काश सुअरा किसे कहा जाता है, तो मौलवी करीमुद्दीन की जो रचना है तज़किरा ई शुअराई हिंदी जो कि 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसी ग्रंथ को, इसी रचना को तब का सुअरा भी कहा जाता है। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है। कवियों की संख्या कितनी है, 1004 है, जिसमें हिंदी भाषा के कवियों की संख्या मात्र 62 है। यह साहित्य इतिहास ग्रंथ तासी के ग्रंथ का अनुकरण मात्र है। इस ग्रंथ को प्रथम बार काल क्रम का ध्यान रखकर लिखा गया। अब देखिए बहुत सारे इतिहासकार या बहुत सारे शिक्षक जब आपको इसे पढ़ाते हैं तो इसको छोड़ दिया जाता है, उसका कारण आप समझिए। उसका छोड़ने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि मौलवी करीमुद्दीन ने जो ये ग्रंथ लिखा तज़किरा ई शुअराई हिंदी,
1848 ईस्वी में, या गारसाद अटासी के ग्रंथ की अगर बात करें तो उसी ग्रंथ का अनुकरण है। अनुकरण का मतलब क्या है, उसी को फॉलो करके लिखा गया, इसीलिए जो है लोग वहीं पर इसको बता के छोड़ देते हैं। तो आप ये भी बातें जानते हुए चलिए, समझ में आया, क्लियर है। आइए अब बात करते हैं श्री महेश दत्त शुक्ल की, बात करते हैं इनकी रचना है भाषा काव्य संग्रह सन 1873 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, अक्सर आप किताबों का जब अध्ययन करते हैं अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें देखने को पाते हैं, तो आज आप चीजों से बहुत अच्छे से रूबरू होंगे। देखिए महेश दत्त शुक्ल की रचना है भाषा काव्य संग्रह, जिसका प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कौन सी बात की बात कर रहा है यहां पर, अभी तक आप दूसरी दूसरी भाषाओं की बात कर रहे थे, अब यहां पर हिंदी साहित्य इतिहास यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि से अगर आपसे बात किया जाए और उस स्थिति में हिंदी भाषा की बात किया जाए तो महेश दत्त शुक्ल का नाम आएगा। कई मर्तबे आप बच्चे शिव सिंह सेंगर को लेकर के भी कंफ्यूज होते हैं, उसका भी मैं भी कारण आपको बताने वाला हूं, पहले आप इन पर चर्चा कर लीजिए। तो देखिए भाषा काव्य संग्रह जो है वह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। एक मर्तबे यह भी प्रश्न पूछ लिया गया कि भाषा काव्य संग्रह जिसका प्रकाशन 1873 में हुआ कहां से हुआ या कौन से संपादक मंडल से हुआ, तो दो तीन तरीके से यहां से प्रश्न बनते हैं। थोड़ा सा गले में खराश है साथियों, क्योंकि जुकाम होने की वजह से थोड़ा सा आवाज बहुत फास्ट मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। आइए महेश दत्त शुक्ल के बाद हम बात करते हैं शिव सिंह सेंगर की। आइए देखिए बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज सन 1883 ईस्वी, बड़ा विवादित प्रश्न है, बहुत बार इनके प्रकाशन को लेकर के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे गए। बोर्ड पहले कुछ मानता है फिर बाद में कुछ दिया स्पष्टीकरण देता है, हम आपसे उन पर चर्चा करने वाले, बहुत बारीकी से आप ध्यान दीजिए। शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज जो रचना है 1883 ईस्वी में, अगर आपसे मूल रूप से पूछा जाए कि इस रचना का प्रकाशन कब हुआ तो आप 1883 ही बताएंगे। देखिए हिंदी भाषा में लिखा गया यह सर्वप्रथम काव्य संग्रह है जिसमें 1003 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है। अब बात आप समझिएगा, हिंदी को लेकर के आप कंफ्यूज होते हो, पीछे की अगर मैं चर्चा करूं, जब बात भाषा काव्य संग्रह की कर रहे थे तो यहां हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह है। अब यहां पर बातें वही लिख रहा है कि हिंदी भाषा में लिखा गया यह सर्वप्रथम काव्य संग्रह है जिसमें 1000 से अधिक, ये बात आप ध्यान नहीं देते हो इसीलिए आप प्रश्न गलत कर देते हो। बात जब हिंदी भाषा की आती है, हिंदी भाषा की आती है तो भाषा काव्य संग्रह का ही नाम आएगा, महेश दत्त शुक्ल जी का ही नाम आएगा, लेकिन ये प्रश्न कह देगा कि जिसमें 1000 से अधिक कवियों की बात की गई तब उस स्थिति में शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज का नाम आएगा। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में आया। तो देखिए जिसमें 1000 से अधिक यानी 1003 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है, इसके पूर्वार्ध में 838 कवियों एवं उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन वृत्त संकलित है, तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है पूर्वार्ध में कितने 838 कवियों का, उत्तरार्ध में 1003 कवियों का। अब यहां से कुछ और भी प्रश्न जैसे बनते हैं, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इसका प्रकाशन कब हुआ, सन 1878 ईस्वी में। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार सन 1878 ईस्वी में, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसका प्रकाशन माना सन 1883 ईस्वी में।
और ये मानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कि 1883 ईस्वी में सरोज का पहला संस्करण मानते हैं। वहीं अगर बात की जाए राम स्वरूप चतुर्वेदी की, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसका प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित होना मानते हैं। अगर वास्तविकता में बात किया जाए तो सच यह है कि शिव सिंह सरोज का पहला संस्करण जो था वह 1878 ईस्वी में और दूसरा संस्करण 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, भले सारे ऑप्शन दिए हुए हो, अगर इन कवियों का, इन लेखकों का, इन इतिहासकारों का नाम पूछेगा तब आप इनके अनुसार बातें करेंगे, अदरवाइज आप 1883 ईस्वी बताएंगे। इसका प्रकाशन कब हुआ यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए तो इसका प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। तो क्वेश्चन आपसे यह भी कह सकता है कि शिव सिंह सेंगर की रचना शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से माना जाता है। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। आइए बात करते हैं अब हम जॉर्ज ए ग्रियर्सन की। तो देखिए जॉर्ज ए ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी भाषा में है? नाम से ही लग रहा है कि अंग्रेजी भाषा में है। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में सन 1888 ईस्वी में हुआ था, जबकि स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन सन 1889 ईस्वी में हुआ। पहली बार कवियों एवं लेखकों का वर्गीकरण काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पहली बार कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किस ग्रंथ में किया गया, तो आपको मैंने बताया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, कहीं कहीं पर मॉडर्न, कहीं कहीं पर नॉर्दर्न भी लिख उठता है। तो इस पे आपको नहीं जानना है, आपको क्या करना है उसके बेसिक पर जाके बातें करना है। तो देखिए कवियों एवं लेखों का वर्गीकरण कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया गया। इसमें कुल 952 रचनाकारों का परिचय दिया गया है, जिनमें से 886 कवियों के विवरण का आधार अगर देखा जाए तो शिव सिंह सरोज है। कितने? 952 रचनाकारों का जो परिचय दिया गया, उस 952 में 886 कवियों का विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है। इस ग्रंथ का सन 1957 ईस्वी में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर प्रकाशित कराया। तो आपसे एक प्रश्न यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉर्ज ए ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो कि अंग्रेजी भाषा में है, इसका जो है अनुवाद कब कराया गया? 1957 ईस्वी में। किसने कराया? किशोरीलाल गुप्त ने। कौन सी भाषा में कराया? अंग्रेजी से हिंदी भाषा में कराया है। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप जानते रहिए। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य की भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए हिंदी के इतिहास को संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया या कहा जाता है। देखिए अगर बात जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ की बात आती है तो यहीं पर जॉर्ज ग्रियर्सन ही पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। ये भी प्रश्न कई मरतबे आपसे पूछा गया है, जब हम भक्ति काल का अध्ययन कराएंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। आशा करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी। तो बात हमने किया आपसे जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ
द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अंग्रेजी भाषा में मैंने प्रकाशन की बात किया कि पहली बार जो है इसका जो पत्रिका के रूप में विशेषांक में आया सन 1888 ईस्वी में, स्वतंत्र रूप से इसका जो प्रकाशन हुआ वह 1889 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ के अनुवाद की बात की जाती है कि इसका अनुवाद किसने किया, तो आपने देखा 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी भाषा में इसका अनुवाद कराया। और पहली बार अगर काल विभाजन की दृष्टि से क्या जो है पूछा जाता है कि किसमें कालक्रम का अध्ययन किया गया या कालक्रम के आधार पर, कालक्रम की पद्धति के आधार पर रचना हुई, तो वह द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ही हुआ है। आशा और उम्मीद है कि आपको इतनी सी बातें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं हम मिश्र बंधु की। मिश्र बंधु कहने का मतलब तीन बंधु आ जाते हैं साथियों। थोड़ा सा कुछ गले में खराश होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा तेज से नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि तेज बोलने का प्रयास करते ही खांसी आ जा रही है, इसलिए बहुत आराम से चीज़ों को आहिस्ते आहिस्ते ही समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए तो देखिए, मिश्र बंधु की अगर बात की जाती है तो इसमें तीन बंधु आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो कई मरतबे तो परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लिया गया कि मिश्र बंधु के अंतर्गत कौन से तीन बंधु आते हैं, तो आप गणेश जी से शुरुआत कर लो। गणेश जी सारे काम को सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र। या फिर आप जिस तरीके से याद कर सकते हैं आप याद कर सकते हैं, कोई इतना कठिन काम नहीं है। आइए इनकी रचना की बात करते हैं, जो इतिहास ग्रंथ की दृष्टि से है तो वह है मिश्र बंधु विनोद। 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। तो आपसे भाग पूछा जाता है कितने भागों में, 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन काल एक ही समय में हुआ, कब, 1913 ईस्वी में, तथा चतुर्थ एवं अंतिम भाग का प्रकाशन काल 1934 ईस्वी हुआ है, जिसमें 4591 कवियों की जीवनी तथा आलोचनाओं के विवरण संग्रहित किए गए हैं। डॉक्टर नामवर सिंह इसे साहित्य की पंचांग की संज्ञा दी है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, नोट कर लीजिए, मिश्र बंधु विनोद के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्र बंधु विनोद को किसने इसे साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे साहित्य की पंचांग की संज्ञा दी है। आलोच्य ग्रंथ में इन्होंने सारंगधर को ब्रज भाषा का प्रथम कवि, तो देखिए आलोच्य ग्रंथ में इनके अनुसार प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना है, तो ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना है, तथा गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी घोषित किया है। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, मिश्र बंधुओं के अनुसार पहले गद्य लेखक कौन से हैं, या मिश्र बंधुओं के अनुसार पहले कवि कौन से हैं, तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप एकदम तैयार रहिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्लियर है, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं। अब देखिए, जब बात हिंदी साहित्य के इतिहास की आती है, या बात आपसे जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की ना करते हुए भी इस बात की जाए कि साहित्य का जब नाम आता है तो सबसे प्रामाणिकता जिनके अनुसार प्रामाणिक किसी बातों को मान लिया जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन सन 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी माना जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से जनवरी सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो पहला प्रश्न यही आपका हो गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन कब हुआ, 1929 ईस्वी में। प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो प्रकाशन काशी नागरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास कौन से शीर्षक से हुआ था, हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से कब, जनवरी 1929 में हुआ। फिर आगे चल के होता क्या है, शुक्ल जी
इसे 1929 में ही परिवर्तित तथा परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास। जब पहली बार आया प्रकाशन शीर्षक क्या था, तो आपने देखा हिंदी साहित्य का विकास, पहले क्या नाम था, हिंदी साहित्य का विकास, अब क्या हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास। जब हिंदी साहित्य का विकास था कब था, तो आपने पढ़ा कि जनवरी 1929 ईस्वी में ही आप देख रहे हो कि परिमार्जन करने का मीन्स क्या होता है, जब किसी भी चीज को अशुद्धता को दूर कर दिया जाए, जिसका परिमार्जन कर दिया जाए। इसीलिए जब हम बात संस्कृत भाषा की करते हैं, तो संस्कृत की डिफिनेशन देते हुए अक्सर आप देखते हो कि संस्कृत जो होती है वह परिमार्जित है, परिष्कृत है, परिनिश्चित है, मतलब उसमें सारे जो भी कमियां है उसको दूर कर दिया गया है। तो ये बातें हो जाती है, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कराया। पुनः इस ग्रंथ का संशोधित संवर्धित संस्करण सन 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि पुनः इसका जब प्रकाशन हुआ कौन से वर्ष में हुआ, 1940 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित क्वेश्चन, बहुत ही बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लेखन का कार्य किसने किया, या इतिहास का कौन सा ग्रंथ माना जाता है। तो बात आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं। तो हिंदी साहित्य का प्रथम सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। अगला प्रश्न आपसे कई मर्तबे इस पर भी पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति पर लिखा, विधेयवादी पद्धति। जैसा कि हम आपको जब इतिहास लेखन की पद्धति पर चर्चा करते हुए इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर चुके हैं, विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। एवं कालों के नामकरण का आधार का मतलब क्या है, जैसे आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये जो आप काल देख रहे हो उसके काल का आधार इन्होंने युग प्रवृत्ति रहा है। युग प्रवृत्ति का मतलब क्या है, उस समय जो युग की प्रवृत्ति थी, युग की विशेषता थी, उसी को आधार माना। जैसे जब हम आदिकाल की या प्राचीन काव्य परंपरा की जब बात करते हैं, तो उस समय राजाओं की लोग बड़ी प्रशंसा करते थे, उस समय वीर गीतात्मक जो है कवि हुआ करते थे, उसी आधार पर वीर प्रवृत्ति को ही यहाँ पर देते हुए वीर गाथा काल का नाम दिया। आप जब बात करते हैं पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, अब उत्तर मध्यकाल, मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, यानी अब आप पीछे चलते हैं तो वहां पर आप देखते हैं पूर्व मध्यकाल को, यानी मध्यकाल ही समझ लीजिए, तो आप भक्ति काल का नाम देते हैं, क्योंकि उस समय भक्ति अपनी परंपरा में थी, बहुत ही अच्छे से उदय हो रहा था, भक्ति काल का नामकरण दिया। फिर उत्तर मध्यकाल की जब बात करते हैं तो वहां पर रीतिकाल शब्द का नाम दिया, और उसके बाद आप पढ़ते हो आधुनिक काल के अंतर्गत इन्होंने उसको गद्य खंड कहा या गद्य काव्य कहा। तो ये नामकरण आप पढ़ते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगर हम इनके वर्ष समय की बात कर लें, तो संवत आप देख रहे हो कि 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत का जो समय रहा वह आदिकाल का रहा। संवत 1375 से लेकर के 1700 तक का जो समय था उसे जो है भक्ति काल का नाम दिया। संवत 1700 से 1900 तक का जो समय दिया वह रीति काल का नाम दिया, और संवत 1900 से 1984 का जो समय दिया वह आधुनिक काल यानी गद्य काल का नाम दिया। तो ये नामकरण आप देखते हो, और जब संवत और ईस्वी को आप परिवर्तन करते हो तो 57 वर्ष घटा के आप निकाल सकते हो आराम से, क्लियर है चीजें। तो ये आप देख रहे हैं कि आधार क्या दिया उन्होंने, युग प्रवृत्ति को आधार दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा दी है। तो आपसे कवि वृत्त संग्रह के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन कवियों को रखा है, तो आप आंख मूंद करके जवाब दे सकते हो किसको किसको रखा है। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं को इन्होंने क्या किया है, कवि वृत्त संग्रह नाम दिया है या कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को भी प्रमुखता दी है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आप जानते रहिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत बहुत अच्छे लेवल से यहाँ तक प्रश्न पूछे जाते हैं, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्ति के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दिया है, किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आइए बात करते हैं अब हम श्याम सुंदर दास की। बाबू श्याम सुंदर दास की जब बात आती है तो इनकी रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला, जो कि दो भागों में प्रकाशित है 1909 और 1914 ईस्वी में। हिंदी भाषा का विकास सन 1924 ईस्वी में और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी में। तो श्याम सुंदर दास की जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जो ऐतिहासिक रचना है, उसमें नाम आता है हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य। आगे बात करते हैं सूर्यकांत शास्त्री की। तो इनकी रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की रचना है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जिनका काल विभाजन के आधार पर समय याद होना बहुत जरूरी है। बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको तैयार होने चाहिए। तो जरूरी ये नहीं है कि आप क्या जाने क्या ना जाने, ठीक है, जरूरी केवल इतना है कि आप पहले तो उन रचनाओं के बारे में जानिए, फिर समय सारणी पर आपको गलती नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक चीजें आपको याद हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। आइए तो पहले हम इनकी रचनाओं को चर्चा में लाते हैं, फिर एक साथ एक सीक्वेंस में सारी रचनाओं को और उनके प्रकाशन वर्ष के साथ आपको याद करा देंगे और वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए आइए, कृष्ण शंकर शुक्ल, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की बात कर लेते हैं, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद में, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास। कृष्ण शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास पर लिखा जाने वाला यह प्रथम ग्रंथ 1934 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की अगर बात करेंगे तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि दो खंडों में प्रकाशित है, प्रथम भाग का प्रकाशन 1959 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ, और दूसरा इनका इतिहास ग्रंथ है वांग्मय विमर्श 1940 ईस्वी 1940 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेन, अभी अभी हमने पीछे बात किया आधुनिक हिंदी साहित्य, इनकी एक इतिहास ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी में इनकी आती है आधुनिक हिंदी साहित्य। अब देखिए प्रश्न यहाँ से भी बच्चों के गलत होने के चांसेस होते हैं, उसका कारण आप समझिए। जब बात लक्ष्मी सागर वारसेन की आती है तो तुरंत आप ये याद करते हो कि लक्ष्मी सागर वारसेन ने तो किसी का अनुवाद
अनुवाद किया था ना, और अभी अभी पढ़ के आ रहे हो, तो आप अनुवाद करने के साथ ही एक प्रश्न ये भूल जाते हो कि जरूरी थोड़ी है कि किसी ने अनुवाद किया है तो दूसरा ग्रंथ नहीं लिखा होगा। तो इनका यह भी एक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, कौन सा? आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, और जो अनुवाद इन्होंने किया था वह किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1952 ईस्वी। इसमें तासी के ग्रंथ में उल्लिखित कवियों एवं लेखकों से संबंधित विवरण का हिंदी अनुवाद करा, जैसे उसमें तासी के ग्रंथ में था, सेम प्रक्रिया इसमें भी है। बस क्योंकि गारसादा तासी के ग्रंथ इस्तवारदा ललितितुर एंदुई हिंदुस्तानी का इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद 1952 में किया, तो बस कवि तो वही है, रचना तो वही है, चीजों को केवल बदल दिया, आपने अकॉर्डिंग लिख दिया। आलोच्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी उर्दू के 738 कवि वित्त संग्रहित है, इनमें हिंदी कवियों की कुल संख्या 72 रही है। आइए वियोगी हरि की बात कर लेते हैं, ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी सन 1928 ईस्वी, 8 भागों में है, जिसमें हिंदी उर्दू बंगला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन एवं संपादन है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की अगर बात करें, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न केवल और केवल लिखा है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, जब आप पीछे जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर प्रश्न आपका लिख दिया मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। कभी कभार बच्चे के पास जब ये प्रश्न आता है तो बच्चा यह सोचता है, लग रहा है कि ये ग्रियर्सन की बात की जा रही होगी, लेकिन गलती से ये प्रश्न आ गया है या कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो चुका होगा। ऐसा आप अपनी एग्जामिनेशन हॉल में भी कई मरतबे सोच लेते हैं, ये गलती ना हो इसलिए जानते रहिए। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी, इसके जो रचनाकार हैं वह हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। ब्रज रत्न दास खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी, परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात जब करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखा 1940 ईस्वी में, 10 अध्यायों में है, जो कि हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा इन्होंने 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। तो तीन ऐतिहासिक ग्रंथों की बात की जा रही है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्य इतिहास से संबंधित ही है एवं इनमें एक निश्चित साहित्य इतिहास दृष्टि भी मिलती है। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों से भक्तिकालीन संत काव्यधारा का संबंध, उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि उनकी साहित्य इतिहासकार के रूप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आइए बात करते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल के द्वारा संपादित ग्रंथ में, संपादित का मतलब है कि जिसका संपादन तो किया गया, प्रकाशन नहीं हुआ, ऐसे ग्रंथों को संपादित ग्रंथ माना जाता है, और साथ में ही किया गया, साथ में ही संपादन किया, किसने किसने? डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने। हिंदी साहित्य का इतिहास जब बात आती है तो इसका संपादन 1973 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से यह विशद ग्रंथ रचा गया। आगे बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो भागों में विभक्त, प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ, आचार्य शुक्ल प्रतिपादित ढांचे में मामूली परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया है। तो यहां से भी प्रश्न आपसे कई मरतबे पूछा जाता है। डॉक्टर राम खेलावन पांडे की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का
नया इतिहास 1969 ईस्वी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। डॉक्टर राम खिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास सन 1986 ईस्वी। व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 ईस्वी। अब इसके बाद बात आती है डॉक्टर बच्चन सिंह की, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यहाँ दूसरा शब्द लिख दिया, दूसरा इतिहास की बात करेगा 1996 ईस्वी में बच्चन सिंह को माना जाता है। फिर डॉक्टर नामवर सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां सन 1954 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य सन 1950 ईस्वी। आगे हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य सन 1967 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन, हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी। यहाँ से भी प्रश्न कई मर्तबे आपके परीक्षा में पूछा गया है, राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ की या ऐतिहासिक ग्रंथ की कौन सी है, तो वह है हिंदी काव्य धारा। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल की जब बात की जाती है तो इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी। शिव कुमार शर्मा, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। चतुर सेन शास्त्री, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी। डॉक्टर वासुदेव सिंह, हिंदी साहित्य का उद्भव काल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा के द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य अकेले, जिसका संपादन 1933 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र, हिंदी आलोचना उद्भव और विकास। नलिन बिलोचन शर्मा, साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी, जिसमें आप पढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से कई मर्तबे आपके परीक्षा में पूछा गया। नलिन बिलोचन शर्मा का जो है कथन आपसे पूछा गया, नलिन बिलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन जो कि 1960 में इनकी प्रकाशित हुई, इसमें जिन बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया है, अगर उस पर चर्चा करें तो आपका आता है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक दत्तासी था, यह निर्विवाद है, निर्विवाद है। यानी गारसा दत्तासी के बारे में डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने क्या लिखा अपने ऐतिहासिक ग्रंथ साहित्य के इतिहास में, कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था, यह निर्विवाद है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, यानी अब ये शुक्ल जी को नहीं मानते, शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यानी डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा की अगर बात किया जाए तो आदम इतिहासकार विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ना मान करके इन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन को माना है। कई मर्तबे यह प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में, आपके जो है यूजीसी एनटीए के द्वारा होने वाली परीक्षा नेट जीआरएफ में भी पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में विभिन्न विभिन्न राज्यों में होने वाली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये पॉइंट फिर से ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न आपका डायरेक्ट बनता है। नलिन बिलोचन शर्मा के ऐतिहासिक ग्रंथ साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था, यह निर्विवाद है, पहला कथन मुख्य रूप से। दूसरा, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। तो ये दो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ये जानते रहिए। आइए आगे बात करते हैं, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका। डॉक्टर गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास सन 1938। यहाँ पर सुबोध शब्द लिख रहा है डॉक्टर गुलाब राय। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य विमर्श, कई मर्तबे टीजीटी पीजीटी में यही सेम प्रश्न पूछा, हिंदी साहित्य विमर्श के रचना पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कब 1923 ईस्वी में प्रकाशित। डॉक्टर सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। यहां पर देखिए काव्य शास्त्र के इतिहास की बात जब आती है तब भगीरथ मिश्र जी की नाम आता है। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और
साहित्य प्रभु दयाल मीतल, चैतन्य मत और ब्रज साहित्य, चंद्रकांत बाली पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, कई मर्तबे या रीट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, राजस्थान की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। क्या कह रहा है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का, देखिए तीन ग्रंथ इनका है, राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान का पिंगल साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। तो ये हमने आपसे बात किया साथियों हिंदी साहित्य के बारे में कुछ ग्रंथों पर। आइए आगे बात करते हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास, नारायण चतुर्वेदी आधुनिक हिंदी का आदिकाल। अब देखिए यहां पर बच्चे गलती क्या करेंगे, आदिकाल देखने के बाद आप बच्चे परेशान हो जाते हो, आप सोचने लगते हो कि यार द्विवेदी तो नहीं हो जाएंगे कहीं यहां पर, लेकिन यहां पर आपको लिखा है आधुनिक हिंदी का आदिकाल दिया हुआ है, इस बात को भी आपको जानते हुए चलना है। तो ये है नारायण चतुर्वेदी 1973 ईस्वी 1973, पादरी एडविन ग्रीव्स स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी, एडविन ग्रीव्स महोदय ने 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास लिखा है। अब कंफ्यूजन क्या होगा, यहां पर आप देख रहे हैं अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की बात आ रही है, अब पादरी एफ ई के की बात करें तो अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, केवल और केवल अंतर कितना है उसको आप पकड़िए, यहाँ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये दिख रहे हैं, ए यहां पर है, ए यहां पर है, यहां क्या है स्केच ऑफ है, यहां पर हिस्ट्री है, बस यही आप जानिए, दोनों में अंतर केवल इतना है। पादरी एडविन ग्रीव्स की बात आएगा तो स्केच जोड़ दीजिएगा, पादरी से आपको लग रहा है तो अब स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी, अगर पादरी एफ ई के की बात आएगी तो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर जोड़ दीजिएगा, एफ ई के कारण हिस्ट्री जोड़ दीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी, एफ ई के ने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो इन दोनों ग्रंथों में, तो ये आप बहुत बारीकी से इसको जानिए। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, यहां से भी देखिए, ये देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं है, ये विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी नहीं है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी है, तो देखिएगा बहुत बारीकी से इसे अध्ययन दीजिए। विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी 1985, मैनेजर पांडे साहित्य एवं इतिहास दृष्टि सन 1981 ईस्वी, और संपादित नीलाभ हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास सन 2004 ईस्वी, नीरजा माधव हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास सन 2012 ईस्वी, ये भी प्रश्न बन सकता है। उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा, अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, आपने पीछे भाषा का उद्भव एवं विकास की बात किया, अब यहां पर क्या लिख दिया, हिंदी भाषा लिख दिया गया। कभी कभी आपको लगता है कि इतिहास ग्रंथ जितने भी है सब एक जैसे हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर है, उन अंतर को जब जानते रहेंगे तभी आप प्रश्नों को सही कर पाएंगे। नागरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो कि 16 भागों में प्रकाशित हुआ 1961 ईस्वी में, कई मर्तबे यहां से भी प्रश्न पूछा जा सका है कि नागरी प्रचारी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन अब तक कितने भागों में हो चुका है, 16 भागों में, कौन से 16 भाग हैं, आइए उन 16 भागों को भी जान लेते हैं। तो देखिए नागरी प्रचारी सभा 1961 में हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में, प्रथम भाग जो था वह है हिंदी साहित्य की पीठिका डॉक्टर राजबली पांडे, दूसरा भाग हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा, तीसरा आदिकाल करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह, चौथा भक्तिकाल निर्गुण भक्ति परशुराम चतुर्वेदी, पांचवा भक्तिकाल सगुण भक्ति देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक, छठा रीतिकाल रीतिबद्ध डॉक्टर नगेंद्र, सातवां रीतिकाल रीतिमुक्त डॉक्टर भगीरथ मिश्र, आठवां
हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, भारतेंदु काल संबत 1900 से 1950 विक्रमी तक डॉक्टर विजेंद्र विनय मोहन शर्मा, और नवा है द्विवेदी काल संबत 1950 से 1975 विक्रमी पंडित सुधाकर पांडे, दसवां उत्कर्ष काल काव्य डॉक्टर नगेंद्र और संपादित संबत 1950 से 1975 विक्रमी, ग्यारहवां उत्कर्ष काल नाटक का जो काल है संबत 1975 से 1995 विक्रमी, सावित्री सिंह व दशरथ ओझा, बारहवां कथा साहित्य संपादित 1975 से 95 विक्रमी डॉक्टर निर्मला जैन, तेरहवां समालोचना निबंध और पत्रकारिता संपादित 1975 से 95 संपादित किया जो है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने, चौदहवां अद्यतन काल संबत 1995 से 2010 विक्रमी, सहायक में डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया, पंद्रहवां अंतर भारतीय हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और पंडित राहुल सांकेत्यायन, सोलहवां और अंतिम जो है वह है हिंदी का लोक साहित्य डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो ये आपने देखा कि नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो 16 भागों में ये हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का जो प्रकाशन हुआ है उन पर चर्चा किया गया। बहुत रेयर केस में आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि 14वें भाग 15वें या 16वें का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, केवल इतना कि 1961 में प्रकाशित हुआ यह आप जानते रहिए, दूसरा कितने भागों में हुआ यह जानते रहिए, तीसरा अगर आप इसको जान लेंगे तो और अच्छी बात है, आशा और उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने क्या किया साथियों, हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ जितने भी ग्रंथ इंपॉर्टेंट ग्रंथ थे, महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, उन पर एक एक तरीके से बहुत बारीकी से आपसे अध्ययन किया। एक बार बच्चे थम का निशान दें, क्लियर है हर एक पॉइंट, आप सभी को समझ में आया कि नहीं? तो यही है इतिहास ग्रंथ, इन्हीं इतिहास ग्रंथों को आपको अपने दिमाग में अपने मस्तिष्क में बैठा लेना है और यहीं से बनते हैं प्रश्न। कोई भी प्रश्न आपका आएगा तो इसके बाहर से नहीं आएगा। आइए हम अगले कुछ समय में, बहुत कम समय में ही चीजों को केवल रिवाइज कराते हैं आपके बीच में, रिवीजन के माध्यम से एक काल विभाजन, काल क्रम के आधार पर जो रचना पहले प्रकाशित हुई उसको उसी क्रमबद्ध तरीके से बहुत कम समय में चीजों को रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। तो अब आप समय सारणी को ध्यान में देते हुए फटाफट आपको रिवीजन केवल करना है, आपको ये देखना है कि आपका मस्तिष्क कितनी चीजों को एब्जॉर्ब कर चुका है, कितनी बातों को आप पचा चुके हैं, इन बातों को आप यहां पर जानने का प्रयास करते हैं। आइए तो देखिए, आप पहले ही रचना देख रहे हैं, इस्तवार दललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी 1839 ईस्वी, पहला भाग दूसरा भाग 1847 ईस्वी, यानी पहले संस्करण में ये था, फिर तीसरा संस्करण जो आया, जो दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में तीन भागों में गाड़सा द काशी। तो इस्तवार दल, अब यहां पर हम केवल रचनाकार और ग्रंथ की बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि समय को भी जानते हुए चले, समय इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण है रचना और रचनाकार। तो देखिए, इस्तवार द ललितेतुर एंदुई एंदुस्तानी गारसा द तासी, इसके बाद बात की जाएगी तजकिरा ई सुअराई ई हिंदी, इसी का एक अन्य नाम भी है तब का सुअरा मौलवी करीमुद्दीन 1848 ईस्वी, भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल, शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी शिव सिंह सेंगर, मतलब शिव सिंह सरोज ये रचना है 1883 ईस्वी, रचनाकार शिव सिंह सेंगर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी जॉर्ज ग्रियर्सन, मुक्त रूप से स्वतंत्र रूप से ये रचना जो प्रकाशित हुई वह 1889 ईस्वी में हुई, हिंदी कोविद रत्नमाला दो भागों में, पहले भाग का प्रकाशन 9 में दूसरे का 14 में हुआ, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी मिश्र बंधु, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी एडविन ग्रीव्स, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी एफ ई के, ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी वियोगी हरि, हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी पद्मलाल पुन्नालाल बक्सी, हिंदी भाषा का विकास
1924 ईस्वी श्याम सुंदर, बहुत बारीकी से समझिए, हिंदी भाषा के विकास की बात की गई तो श्याम सुंदर दास का नाम आ रहा है। कविता कौमदी 1928 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल, हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930। आप देखो बहुत बारीकी से समझिए, यहाँ पर आप हिंदी भाषा का विकास देख रहे थे, यहाँ पर आप हिंदी भाषा एवं साहित्य देख रहे हैं, ये बातें आप जानिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी रमा शंकर शुक्ल रसाल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, हिंदी साहित्य 1933 ईस्वी सहायक संपादित डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, और इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद है आपका हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ईस्वी ब्रज रत्न दास, आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसेण, हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी राहुल चांकृत जयनन, हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, आधुनिक हिंदी साहित्य 1952 ईस्वी नंद दुलारी वाजपेयी, रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र, आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी नंद दुलारी वाजपेयी, उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 ईस्वी परशुराम चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का आदिकाल, यहाँ पर बहुत बारीकी से जानने की जरूरत है, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में 1960 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी नलिन बिलोचन शर्मा, 1960 नलिन बिलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में 1961 में नागरी प्रशासन सभा के द्वारा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल दोनों के द्वारा संपादित है। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, बहुत बारीकी से पकड़िएगा, यहाँ पर आधुनिक शब्द जोड़ा है, आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 ईस्वी नारायण चतुर्वेदी की बात की गई, जबकि पीछे आपने पढ़ा, अभी अभी मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य का आदिकाल कहेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आएगा, जबकि आधुनिक हिंदी का आदिकाल कहेगा तो नारायण चतुर्वेदी का नाम आएगा, इस बात को आप जानते हुए चलिए। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी मैनेजर पांडे, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 ईस्वी विश्वनाथ त्रिपाठी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी डॉक्टर सुमन राजे, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 संपादित नीलाभ के द्वारा, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरज माधव। तो ये हमने आपसे इतिहास ग्रंथों पर चर्चा किया, जहाँ से जितने तरीके से प्रश्न बनते हैं उन पर आप लोगों से चर्चा पर चर्चा हुई, कैसे आप चीज़ों को बताएं समझाएं, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं साथियों, फटाफट बताइए, हर एक बातें आपको क्लियर है कि नहीं। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ में जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे उन सब पर बारीकी से किया है चर्चा परिचर्चा, बताइए इतनी सी बातें क्लियर है साथियों। चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले आप सभी के पास एक सूचना जैसा कि दिख रही है, प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप एसपी शुक्ला एजुकेट के द्वारा जो है जो नंबर दिख रहे हैं 9415800
659 पर आप एंट्री हिंदी लिख करके आप अपनी आगामी परीक्षा TGT, PGT, LT ग्रेड, UGC, NET, JRF जैसी परीक्षाओं के लिए एनरोल कर सकते हैं। चलिए आइए, तो हमने बात किया हिंदी साहित्य के इतिहास पर, अब हम आपसे बात करते हैं हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर भी किस तरीके से आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रश्न, उन बातों को भी आपके बीच में चर्चा करते हैं। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत अभी भी आप जस्ट पढ़े कि गारसा द तासी से होती है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अंग्रेजी भाषा के लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में मिलता है। साथियों, जैसे कि आपने इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत जब चर्चा किया तो हमने आपको बताया कि गारसा द तासी की जब बात आती है तो इतिहास की सूत्रपात का जब नाम आता है तो गारसा द तासी के ग्रंथ इस्तवार द ललितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी की बात आती है, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया, लेकिन क्योंकि वह जो था वह वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर लिखा हुआ था इसीलिए उसको तवज्जो नहीं मिला, और जिसके अंतर्गत उन्होंने काल विभाजन करने में असमर्थता दिखाई और काल विभाजन नहीं मिलता है। और जो काल विभाजन का पहला मिलता है मूल्यांकन देखने को, वह मिलता है जो है जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। तो अब हम काल विभाजन पर भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन इन्होंने क्या माना है, तो इनके अनुसार अगर विविध को ले लिया जाए तो 12 हो जाएगा, वैसे जो मुख्य रूप से विभाजन किया 11 किया, क्योंकि किसी भी काल का इतने खंडों में विभाजन कर देने के कारण ही विद्वानों ने इसको बहुत तवज्जो नहीं दिया है। फिर भी हम जान लेते हैं कौन कौन से विभाजन में आते हैं। पहला काल इन्होंने दिया चारण काल, सन 700 से 1400 ईस्वी। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कुछ विद्वानों के अनुसार 700 से 1300 ईस्वी भी देखने को मिलता है, 1300 भी ईस्वी देखने को मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, जैसे अब आप इसके बाद आदिकाल पढ़ेंगे तो आदिकाल में देखेंगे कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का क्या नामकरण दिया। तो नामकरण कहने का मींस यही होता है, देखिए पीछे नामकरण जुड़ा हुआ है, यानी यही जो चारण काल आप देख रहे हो इसी को आप चल कर आगे पढ़ोगे, एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आदिकाल का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, या जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल का नामकरण की बात आएगी तो यही चारण काल हो जाएगा, सन 700 से 1400 ईस्वी। फिर इसके बाद आता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, और उसके बाद है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, सन 1500 से 1600 ईस्वी मुगल दरबार, और उसके बाद तुलसीदास, फिर रीति काव्य। इन्होंने देखिए क्या नाम दिया है, रीतिकाल का नामकरण इन्होंने रीति काव्य दिया है, मुख्य रूप से अगर देखा जाए रीति काव्य, सन 1580 से 1692 ईस्वी। फिर आप देख रहे हैं तुलसीदास के अन्य परवर्ती, सन 1600 से 1700 ईस्वी, 18वीं शताब्दी, सन 1700 से 1800 ईस्वी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, सन 1800 से 1857 ईस्वी, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, सन 1857 से 87 ईस्वी, और उसके बाद विविध। विविध को अगर जोड़ लेंगे तो 12 हो जाएगा, कुछ लोगों ने विविध को ना जोड़ा तो आप 11 कर सकते हो। आइए बात करते हैं हम मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर, ये काल विभाजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मरतबे यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो देखिए मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया वह 5 प्रकार से काल विभाजन किया है। पहला आप देख रहे हैं प्रारंभिक काल विभाजन या आरंभिक काल विभाजन, माध्यमिक काल विभाजन, माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। प्रारंभिक काल या आरंभिक काल का समय 700 से 1444 विक्रमी संवत, माध्यमिक काल का समय 1445 से 1680 विक्रमी संवत, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी संवत, परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 विक्रमी संवत, वर्तमान काल संवत 1926 विक्रमी से अब तक। तो पहली चीज तो आप ये जानिए, आपसे समय डायरेक्ट पूछा जा सकता है,
तो प्रारंभिक काल का समय 700 से 1444 विक्रमी संवत, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी संवत, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी संवत, फिर परिवर्तन काल, उसके बाद वर्तमान काल। अब बात जो है, ये तो मान लीजिए हमने काल विभाजन की बात किया, नामकरण की जब बात आती है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आदिकाल का नामकरण मिश्र बंधुओं ने क्या रखा, या भक्ति काल का नामकरण क्या रखा, रीति काल का नामकरण क्या रखा, आधुनिक काल काव्य खंड गद्य खंड की जब बात आती है तो वहां पर आप बच्चे क्या करते हैं, प्रेशर लेते हैं। अगर आप चीजों को पहले से ही जानते रहे तो हमें लगता है कि प्रेशर आपका कम हो जाए। जैसे आदिकाल की बात किया जाए तो प्रारंभिक काल या आरंभिक काल को ही आदिकाल आप कह सकते हो, माध्यमिक काल किसने कहा, भक्ति काल को, तो ये भक्ति काल हो जाएगा, अलंकृत काल आप कहेंगे रीति काल। तो इस सीक्वेंस में आप चीजों को रट भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अब देखिए, प्रारंभिक काल के दो विभाजन मिलते हैं, अक्सर कंफ्यूजन होता है प्रारंभिक और आरंभिक को लेकर के। मुख्य रूप से ये आरंभिक होता है, लेकिन प्रारंभिक कहने का जो आशय है उसका आशय ये रहा, जब इसके हमने दो खंड किए तो यहाँ पर आपके प्रारंभिक शब्द जोड़ देने के कारण इसको प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। तो पूर्व प्रारंभिक काल जो है संवत 700 से 1343 विक्रमी, उत्तरारंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रमी, 1444 विक्रमी, ये हो गया आपका प्रारंभिक काल या आरंभिक काल। या आप अपने तरीके से जान सकते हैं कि आदिकाल का समय क्या माना, आपसे पूछा जाए मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का समय क्या माना है, तो आप कहोगे संवत 700 से लेकर के 1444 विक्रमी आदिकाल का समय मिश्र बंधुओं के अनुसार या मिश्र बंधुओं ने माना है। बात आगे बढ़ाएं, अगर माध्यमिक काल की बात करें तो माध्यमिक काल के भी दो विभाजन मिलते हैं, पूर्व माध्यमिक और प्रौढ़ माध्यमिक। पूर्व माध्यमिक काल का समय संवत 1445 से 1560 विक्रमी, प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 विक्रमी। अलंकृत काल की बात करेंगे तो पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल, पूर्वालंकृत काल संवत 1681 से 1790 विक्रमी, उत्तरालंकृत काल संवत 1791 से 1889 विक्रमी। और इसके बाद आती है बात परिवर्तन काल की, संवत 1890 से 1925 विक्रमी, वर्तमान काल संवत 1926 से विक्रमी से अब तक। अब इसको आप चाहो तो वर्ष में भी बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लियर है साथियों? अगर वर्ष में बदलोगे तो आप जैसे वर्ष की जब बात करोगे तो यही 700 है, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें से 57 घटा देते हैं, तो आप कहोगे आपका हो जाएगा कितना, 643 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 643, ठीक है, हाँ 643 ईस्वी से लेकर के आप इसको घटाओगे तो 1387 ईस्वी हो जाएगा, 1300 यानी 643 ईस्वी से लेकर के 1387 ईस्वी जो हो गया यह आदिकाल का समय हो गया। इसी तरीके से भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल को भी डिवाइड कर लोगे तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा उस पर चर्चा करिए, एकदम सरसरी निगाह में पढ़िए, रटिए, समझिए और उसी क्लास में याद भी कर लीजिए। यही होनी चाहिए आपकी खासियत और यही होगी पढ़ाने की सबसे बड़ी कला। अब देखो, याद कर लिए आप, पढ़ लिए, अब देखो सरसरी निगाह से रिवीजन करिए। मिश्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन प्रारंभिक काल या आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रमी, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी, अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी, परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 विक्रमी, वर्तमान काल संवत 1926 विक्रमी से अब तक। प्रारंभिक काल का समय पूर्वा प्रारंभिक काल संवत 700 से 1343 विक्रमी, उत्तरारंभिक काल संवत 1344 से 1444 विक्रमी, माध्यमिक काल पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 विक्रमी, प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680 विक्रमी, अलंकृत काल पूर्वालंकृत काल संवत 1681 से 1790 विक्रमी, उत्तरालंकृत काल संवत 1791 से 1889 विक्रमी, परिवर्तन काल संवत 1890 से
1925 विक्रमी वर्तमान काल संवत 1926 विक्रमी से अब तक। क्लियर है साथियों? तो ये मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की बात हुई। अब बात करते हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन पर। देखिए, काल क्रम के आधार पर, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर, फिर कालखंड। तो देखिए, आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की चर्चा की है, वह युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया। तो देखिए, ये है, यानी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की बात करेंगे तो यानी ये आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की बात की जाएगी। अब देखिए, किसको इन्होंने क्या कहा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आदिकाल के लिए, क्योंकि कालक्रम के आधार पर आदिकाल था, इसका नाम इन्होंने वीर गाथा काल दिया। पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल का नामकरण दिया। वीर गाथा काल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी, भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी, रीति काल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रमी, गद्य काल का समय संवत 1900 से 1984 विक्रमी। अब आप चाहो तो इसको वर्ष में भी बदल सकते हो, कई मर्तबे वर्ष में भी पूछा गया। जैसे संवत 1050 से, अब 1050 में आप 57 घटा दो तो आप कहोगे 993 ईस्वी हो जाएगा, और इधर 1318 ईस्वी हो जाएगा। इधर आप कहोगे 1318 से लेकर के 1643 ईस्वी, 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी, और उसके बाद हो जाएगा, अब देखिए 1700 से 1900, ठीक है, आप इसमें आप चलेंगे तो 1843 से लेकर के 1927 ईस्वी, 1927 ईस्वी हो जाएगा। तो ये बात हो जाएगी किसमें, ईस्वी की जब बात करेंगे वर्ष की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप 57 घटा करके कर भी सकते हैं। क्लियर है साथियों? तो ये है आचार्य शुक्ल का काल विभाजन। बात करते हैं आदिकाल का, इन्होंने क्या नाम दिया, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। अब प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समय सारणी, अब देखो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, और उसके बाद आप देख रहे हो रीति काल, फिर गद्य काल। वीरगाथा काल का समय कब से कब, संवत 1050 से 1375 विक्रमी, फिर भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी, और उसके बाद रीति काल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रमी, और उसके बाद आपका आधुनिक काल यानी गद्य काल का समय जो है वह संवत 1900 से अब 1984 तक। इन्होंने अब तक नहीं माना, 1984 एक लिमिट दिया है, एक समय दिया है। अधिकांशता विद्वानों ने 1984 न मान करके इसको आज तक का नाम दे दिया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनका उत्थान हुआ था, अभी उत्थान पर भी चर्चा करते हैं, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय। अब उत्थान भी दो खंडों में, पहले इन्होंने जब खंड किया तो दो खंडों में विभाजित किया था, गद्य और काव्य में, गद्य और काव्य में। जब पुनः उसी को संशोधित किया तो तीन खंडों में इन्होंने उत्थान किए, और वही उत्थान आगे चल करके आप पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो देखिए, कौन से तीन उत्थान दिए, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। तो शुक्ल ने काव्य को पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा नाम देते हुए उसे तीन खंडों में विभाजित किया। इससे पूर्व अगर बात किया जाए तो शुक्ल ने दो खंडों में केवल डिवीजन किया था, गद्य खंड और काव्य खंड। जब गद्य खंड और काव्य खंड को पुनः जब इन्होंने नई काव्य धारा का नाम दिया तो तीन खंडों में विभक्त कर दिया, जिसके अंतर्गत प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान की बात आती है। प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रमी संवत, यानी सन 1868 से लेकर के 1893 ईस्वी, क्योंकि गद्यखंड की विभाजन की बात की जा रही है। आधुनिक काल में जब आप शुरुआत करते हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ते हो, भारतेंदु युग की बात करते हो, प्रथम उत्थान की बात करते हो, द्विवेदी युग की बात करते हो, यानी द्वितीय उत्थान की बात करते हो, तो यही बातें हम वहां पर लागू करते हैं, उन्हीं चीजों को यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो देखिए, प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रमी, अर्थात ये संवत की बात है। इसी को जब वर्ष में बदलोगे, क्योंकि वर्ष में भी आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं, सन 1868 ईस्वी से लेकर के 1893 ईस्वी हो जाएगा। द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रमी संवत, सन 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी हो जाएगा। और तृतीय उत्थान 1975 विक्रमी संवत से अब तक, अर्थात सन 1868 ईस्वी से अब तक, ये तृतीय उत्थान
की बात की जाती है। तो यहाँ 1918 है, एक बात क्लियर कर लीजिएगा, 1975 विक्रमी संवत से अब तक है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिए, 1918 ईस्वी हो जाएगा, यानी 1893 ईस्वी से लेकर के 1918 है, तो जब आप वर्ष में चेंज करेंगे तो ये 1918 हो जाएगा। बाकी संवत सही है, 1925 से 1950, 1950 से 1975, 1975 से अब तक, यानी 1868 से 1893, 1893 से 1918, 1918 से लेकर के अब तक हो जाएगा। ये काल विभाजन है किसके अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उत्थान के अनुसार, जो पुरानी काव्यधारा को इन्होंने नई काव्यधारा का नाम देते हुए तीन खंडों में विभाग किया, उस पर चर्चा हुई। आइए आगे बात करते हैं हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन पर। तो देखो इन्होंने क्या किया, पहला खंड है संधि काल, संवत 750 से 1000 विक्रमी, चारण काल संवत 1000 से 1375। अब जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल का नामकरण या आदिकाल का नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या दिया, तो आप बच्चे यही पढ़ते हो, इसी को पढ़ते हो कि इन्होंने क्या नाम दिया, आदिकाल। आदिकाल की यानी प्राचीन काव्य की बात की जाएगी तो आदिकाल का जो नामकरण इन्होंने दिया है, आप देख रहे हैं संधिकाल एवं चारण काल। क्वेश्चन आपसे कहे कि संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा, तो आप कहोगे राम कुमार वर्मा ने। किसको कहा, आदिकाल को कहा। आदिकाल का समय पूछेगा तो आप संवत 750 से 1000 विक्रमी नहीं बताएंगे, आप इसका समय बताएंगे संवत 750 से लेकर के संवत 1375 विक्रमी, अर्थात जब आप इसको वर्ष में बदलेंगे तो ये आपका 57 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 693 से लेकर के 1318 ईस्वी। कितना हो जाएगा 1318 ईस्वी, ये आप ईस्वी में बदलने के लिए ऐसे करेंगे। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नामकरण दिया, संधिकाल एवं चारण काल। केवल चारण काल की बात अभी हमने स्टार्टिंग में किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार वहां पर आपने पढ़ा कि 700 से 1400 ईस्वी की बात किया, कुछ विद्वानों ने 1300 भी माना है, हमने उन पर चर्चा किया है। आइए आगे बात करते हैं, भक्ति काल का समय इन्होंने संवत 1375 से 1700 विक्रमी माना, रीति काल का समय संवत 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल का समय संवत 1900 से अब तक। जो बातें रामचंद्र शुक्ल ने कहा उन्हीं बातों को इन्होंने भी तवज्जो दिया है, क्योंकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास को आधुनिक अगर बात किया जाए तो आदिकाल के अंतर्गत आप जब अपभ्रंश काव्य पढ़ते हैं, अपभ्रंश साहित्य के पहले कवि स्वयंभू के अनुसार से ये स्वयंभू से लेते हैं, इसलिए 693 ईस्वी को पकड़ लेते हैं। बस केवल और केवल प्रारब्ध यानी प्रारंभ इनका प्राय पहले माना जाता है, बाकी सभी चीजों को इन्होंने लगभग लगभग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही फॉलो किया है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार काल विभाजन पर बात करें, संधिकाल एवं चारण काल, आदिकाल का नाम भक्ति काल, शीति काल, आधुनिक काल संधि काल, संवत 750 से 1000 विक्रमी, चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रमी, भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी, रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी काल विभाजन। अब बात करते हैं हम डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के काल विभाजन पर, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक काल या उन्मेष काल। अब देखो प्रारंभिक काल या उन्मेष काल, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, जो कि हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास की जब बात आती है तो वहां पर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने 1965 ईस्वी में वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, प्रश्न बनता है जब आप इतिहास ग्रंथ की चर्चा किए भी वहां पर आपने चर्चा किया, वो काल विभाजन की जब बात आ रही है तो काल विभाजन में आप लिख रहे हैं प्रारंभिक काल या उन्मेष काल 1184 से 1350 ईस्वी, किसके अनुसार, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल सन 1857 से अब तक, ये किसके अनुसार है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार काल विभाजन है। एक बार पुनः देख लीजिए, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार काल विभाजन की जब बात की जाएगी तो वहां पर चर्चा होगा प्रारंभिक काल या उन्मेष काल
मध्यकाल सन 1184 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। आगे बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन पर बहुत सारे विवादित प्रश्न भी बनते हैं। आप हर एक प्रश्न को यहां से जानते हुए चलिए। आइए डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन, इन्होंने क्या दिया? आदिकाल, आदिकाल का नाम दिया, समय दिया 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक का समय जो है इन्होंने आधुनिक काल दिया, जिसमें इन्होंने का जो विभाजन किया, पुनर्जागरण काल। अब देखिए पुनर्जागरण, इससे पहले भी अगर आप भारतेंदु पूर्व युग की बात कर ले तो 1843 से लेकर के 1868 ईस्वी को भारतेंदु पूर्व युग भी माना जाता है। उस पर हमने बहुत बार चर्चा भी किया है, अभी चर्चा मैं उस पर करने वाला भी हूं आगे की क्लासेस में। तो देखिए आधुनिक काल का 19वीं सदी के मध्य से अब तक यानी पुनर्जागरण काल, जिसको कि भारतेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है, 1857 से 1900 ईस्वी, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग जिसको कहते हैं 1900 से 1918 ईस्वी, कुछ विद्वानों के अनुसार आप 1920 भी पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम उस पर चर्चा करेंगे तो आपको वहां पर चीजों से रूबरू कराएंगे। छायावाद युग 1918 से 1936 ईस्वी, और छायावादोत्तर काल फिर आता है जिसके अंतर्गत प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी, और फिर नव लेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक का स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं आधुनिक काल का काल विभाजन। अगर नॉर्मली देखा जाए आधुनिक काल के जो काल विभाजन की चर्चा होती है उसके अंतर्गत आप पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल की बात करते हैं 1857 से 1900 ईस्वी, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद का जन्म जो हुआ था वह 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में हुआ था। इसके कारण अधिकांश विद्वानों ने उनके जन्म के समय से ही भारतेंदु युग की शुरुआत मान लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद युग या स्वच्छंदतावाद काल 1918 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवादी काव्य धारा 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी से अब तक, नई कविता 1954 ईस्वी से अब तक। तो देखिए कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे प्रयोगवाद एवं नई कविता एक साथ लिया जाता है 1943 ईस्वी से अब तक बात की जाती, बात वही होती है, क्योंकि जो नई कविता का प्रारब्ध माना जाता है वह 1953 के अंत में, 1954 नहीं मिलता, 1953 का अंत मिलता है, यानी 1953 का अंत यानी 1954 का प्रारब्ध या पूर्वार्ध ही माना जाएगा, उस आधार पर हम इसे 1954 भी कह सकते हैं। तो ये था आधुनिक काल के काल विभाजन पर जिसपे हमने आपसे चर्चा किया। डॉक्टर बच्चन सिंह के काल विभाजन से भी कभी कभार प्रश्न बनते हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। अपभ्रंश काल, भक्ति काल सन 1400 से 1650 ईस्वी, रीति काल सन 1650 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल सन 1857 ईस्वी से अब तक। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कालक्रम के आधार पर, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर, सेम इन्होंने फॉलो किया रामचंद्र शुक्ल को, बस केवल अंतर क्या है? अंतर केवल समय में है, बहुत बारीकी से अंतर है, बस जानते रहिए। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल, सेम चीजें हैं, बस समय बदल गया। वीरगाथा काल सन 1000 से 1350 ईस्वी, जबकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब बात कर रहे थे तो आपने पढ़ा था 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी, बस अंतर केवल किसका है? समय का है। भक्ति काल सन 1350 से 1650 ईस्वी, रीति काल सन 1650 से 1850 ईस्वी, गद्य काल सन 1850 ईस्वी से आज तक का। तो ये समय है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार काल विभाजन। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं डॉक्टर राम खिलावन पांडे के अनुसार काल विभाजन पर, संभवतः ये अंतिम काल विभाजन भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से कई मर्तबे प्रश्न आपके पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए देखिए संक्रमण काल या प्रवर्तन काल 1000 से लेकर के 1400 ईस्वी को संक्रमण काल या प्रवर्तन काल कहा डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने। संक्रमण काल के बाद संयोजन काल सन 1401 से लेकर के 1600 ईस्वी, और इसके बाद होता है संवर्धन काल सन 1601 से 1800 ईस्वी, फिर बात आती है आपका संचयन काल सन 1801 से 1990 ईस्वी, और उसके बाद बात आती है
संबोधित काल सन 1901 से 1947 ईस्वी और उसके बाद संचरण काल सन 1947 से आगे। तो इसको याद कर लीजिए, एक बार फटाफट याद करिए। डॉक्टर राम खिलावन पांडे के अनुसार कालखंड संक्रमण काल या प्रवर्तन काल, संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, संबोधित काल, संचरण काल। संक्रमण काल या प्रवर्तन काल का समय 1000 से 1400 ईस्वी, संयोजन काल का समय 1401 से 1600 ईस्वी, संवर्धन काल का समय 1601 से 1800 ईस्वी, संचयन काल का समय 1801 से 1900 ईस्वी, संबोधित काल का समय 1901 से 1947 ईस्वी, संचरण काल का समय 1947 से आगे तक। आशा और उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार आप सभी बच्चे थंब का निशान दें, क्लियर है साथियों? आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए, जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास की जो रूपरेखा है, एक तरीके से यह रूपरेखा है, जब आपकी रूपरेखा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, नींव आपका अच्छे से मजबूत हो जाएगा, तो आगे की चीजें बहुत सहज लगेंगी, बहुत आसान लगेंगी और बहुत मजेदार तरीके से आपको समझ में आती चली जाएंगी और पूरे के पूरे चीजों को हम बहुत मार्मिक तरीके से अध्ययन कराएंगे। आइए बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य के काल के आरंभ की। बात करते हैं, हमने काल विभाजन की बात किया, काल के आरंभ पर, आरंभ का मतलब कहां से शुरुआत हुआ उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभिक हिंदी के नामकरण करने वाले विद्वानों में नाम आता है चंद्र शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भोला शंकर व्यास और राहुल सांकृत्यायन जी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है तथा राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? तो आप कहेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी, यानी किसको पुरानी हिंदी कहा? उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा। तथा किसको पुरानी पहला कवि माना है? तो राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न बन सकता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है? तो आप बताएंगे राजा मुंज है। समय कब माना जाता है? 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य का आरंभ माना। फिर बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा, बहुत प्राकृत भाषा, कहीं कहीं पर प्राकृत भाषा लिख देता है, बहुत अच्छे से यहां से प्रश्न पूछा जाता है, प्राकृत भाषा हिंदी या प्राकृत रूढ़ियों में बद्ध हिंदी कहा तथा 993 ईस्वी से हिंदी का आरंभ माना है। जबकि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट नाम दिया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या नाम दिया? अवहट्ट नाम दिया। तो आज के इस सेशन में हमने आपसे बात किया हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन और नामकरण से बनने वाले प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, फिर उसके बाद हम आपसे प्रश्नों पर भी करेंगे चर्चा एवं परिचर्चा। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? कई मर्तबे पूछा गया हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है, तो श्री राम शर्मा का नाम आएगा। कंफ्यूजन क्या होता है, श्री राम शर्मा और श्री राम वर्मा दोनों नाम दे दिया जाता है, श्री राम शर्मा और श्री राम वर्मा, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो। तो अप्रतिम साहित्य के लेखक के अंतर्गत शर्मा का नाम आएगा, वर्मा का नाम नहीं आएगा, ये बात जानने के लिए मैंने यहां पर इन बातों को रखा है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान की जब बात आती है, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोसुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी। कौन सी किताब लिखी जोहान्स जोसुआ केटलर ने? तो
जोहान्स जोशुआ केटलर ने हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी जो कि सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना कौन सी भाषा में हुई? डच भाषा में। प्रश्न पूछा जाता है कौन सी भाषा में हुई, तो इसकी रचना डच भाषा में की गई। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में प्रश्न पूछा जाता है कि जोहान्स जोशुआ केटलर के जीवन परिचय का वर्णन किसने किया या किस ग्रंथ में किया है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे डॉक्टर ग्रियर्सन ने कौन से ग्रंथ में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उस पुस्तक के लेखक का संक्षिप्त परिचय, अर्थात कहने का मीन्स क्या है, जोहान्स जोशुआ केटलर का और उनकी पुस्तक जो है हिंदुस्तानी ग्रामर का वर्णन किया हुआ है। सन 1943 ईस्वी में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण आया, तो ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1943 ईस्वी में पंडित किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा हो जाएगा प्रकाशित हुआ तथा इसी के साथ व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 ईस्वी, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ। तो बहुत सारे तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा जो मानी है 1400 ईस्वी तक मानी है, कुछ विद्वानों के अनुसार 1300 ईस्वी है, लेकिन आपसे प्रश्न अगर 1400 देगा तो आप 1400 को प्रमाणिक मानेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम से अभिहित किया। ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया जिसके अंतर्गत उन्होंने 9 कवियों का वर्णन किया है, वो 9 कवि कौन कौन से हैं, तो देखिए पुष्य कवि खुमार सिंह, केदार, कुमार पाल, अनन्य दास, चंद्र मतलब चंद्र बरदाई, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधार का उल्लेख किया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत किन 9 कवियों का वर्णन किया है, तो पुष्य, कुमार, केदार, कुमार पाल, अनन्य दास, चंद्र बरदाई, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का नाम आ जाएगा। तो ये 9 कवियों को आप अच्छे से जानते रहिए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें दे देगा कि इसमें से कौन से कवि नहीं है, तो उस स्थिति में आप तभी बता पाएंगे जब आपको पता होगा। आइए साहित्य के बारे में, वैसे हम वहां पर पढ़ाते फिर भी आ गया प्रश्न, यहाँ पर लिख दिए साहित्य के बारे में पूछा गया काव्यशास्त्र का, वैसे ये प्रश्न काव्यशास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी यहाँ पॉइंट बन गया तो लिख लीजिए। साहित्य क्या होता है या साहित्य क्या है? साहित्य सिवेतर रक्षते है, साहित्य जो होता है वह सामान्य के लिए है, साहित्य जो होता है वह सबका हित चाहता है, यानी ये साहित्य की एक तरीके से विशेषता है। एक मरतबे यह प्रश्न आपके यूजीसी नेट झारप में भी ये प्रश्न पूछा हुआ था। आइए हिंदी नवरत्न, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु है, कौन है? मिश्र बंधु है, ये बड़ी बात नहीं हुई। इसकी रचना 1910 ईस्वी में हुआ, ये भी बड़ी बात नहीं हुई, ये तो हमने पढ़ा ही। हिंदी नवरत्न में शामिल 9 कवि, ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न कई मर्तबे आपके पेपर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हिंदी नवरत्न में कौन से कवि सम्मिलित नहीं है या कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, तो इस बात को आप जानिए। तो हिंदी नवरत्न में शामिल 9 कवि हैं, कौन कौन से 9 कवि हैं, तो आप कहेंगे तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी लाल, भूषण और मतिराम, भूषण और मतिराम, और उसके बाद केशवदास, कबीरदास, चंद बरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8 और उसके बाद 9, क्योंकि भूषण और मतिराम को एक मान लिया जाता है, एक साथ ले लिया जाता है, इसलिए कभी आप भूषण देखेंगे, कभी मतिराम देखेंगे, या कभी दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं। तो आप बताइए हिंदी नवरत्न के कवियों में कौन से कवि सम्मिलित हैं, इनको आप बहुत बारीकी से जानिए। तुलसीदास याद करने का भी आसान तरीका है, आप ऐसे याद कर लीजिए, तुलसीदास आपको फ्री में याद हो जाएंगे, सूरदास आपको फ्री में याद है, बिहारी लाल आपको फ्री में याद होंगे, ठीक है, और उसके बाद कबीरदास आपको फ्री में याद है, चंद्रबरदाई भी याद है, इधर से आप भारतेंदु हरिश्चंद को याद कर लो। तो ये आप महत्वपूर्ण कवियों को याद कर लीजिए। बचे कौन आपके, भूषण और मतिराम, केशवदास, तो भैया कासे एको नहीं है कबीरदास को छोड़कर, तो एक केशवदास को भी पकड़ लो, बस बात खत्म, भूषण को पकड़ो, तो भूषण के साथ इनके भैया को लाओ, मतिराम को बात खत्म कर दो, क्लियर है ना। तो ये है हिंदी साहित्य के अंतर्गत जब हिंदी नवरत्न की बात आती है, नवरत्न में सम्मिलित नौ कवियों की बात आती है, उनकी सूची है। चलिए मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं, प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1913 ईस्वी, दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1913 ईस्वी, तीसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1913 ईस्वी, या प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1913। तो दोनों तीनों तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, इनको भी आप जानते रहिए और तैयार रहिए, किया गया है। जबकि चौथे भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कब, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी। अभी देखा होगा आपने कि हिंदी के अंतर्गत तो प्रश्न बनते ही बनते हैं, जब आप जीएस सेशन में जाते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में, तो ये प्रश्न डेट पूछ लेते हैं, तारीख पूछी जाती है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 16 जुलाई को हुआ था, कब, 16, ये 16 और 10 में कंफ्यूज करता है, इसलिए जानते रहिए, 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का मुख्य योगदान रहा। तो कौन कौन थे, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का मुख्य योगदान रहा। नागरी प्रचारी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अपनी अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोषकार रहे हैं, ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण किया। इन्होंने 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। एक मरतबे यह प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, तो आप बताएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। आशा और उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होंगी बातें। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लॉर्ड वेलजेली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की, किसकी स्थापना की, ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन के निर्णायक विजय की स्मृति में कब, देखो, की जा रही है, 10 जुलाई 1800 को, कब, 10 जुलाई, मैंने यहाँ पर तारीख इसलिए लिख दिया है हाईलाइट करके 10 जुलाई 1800 ईस्वी, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, 16 जुलाई 1893 और 10 जुलाई 1800 को लेकर के कंफ्यूजन होता है। तो 10 जुलाई 1800, बच्चे बहुत बार, एक बार अभी पिछली बैच में ही पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये आरओ आरओ में पूछ लिया कि जो है इसकी स्थापना जो हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, ऑप्शन में दे दिया 10 जुलाई 1800, 10 जून 1800, 10 मई 1800, इनमें से कोई नहीं, बच्चा कंफ्यूज, मई जून जुलाई में कंफ्यूज हो गया, इसलिए आप जानते हुए चलिए जुलाई है, 10 जुलाई। प्रश्न आपसे डेट भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कई मरतबे तो आपसे वर्ष पूछा जा चुका है, इसलिए समय भी जानते रहिए। 10 जुलाई 1800 को मार्क्वेस ऑफ वेलजेली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए दो भाषा पंडित लल्लू लाल एवं सदल मिश्र
मिश्र की नियुक्ति की। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहबाद जिले के, अब देखिए सदल मिश्र के बारे में लिखा जा रहा है कि सदल मिश्र कहाँ थे, बिहार प्रांत के शाहबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे, शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था तथा यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र की प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इसके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। किसमें, ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य का लिखी जा रही है, लिखा गया है, वह खड़ी बोली गद्य ही है। कौन सी है, खड़ी बोली गद्य ही है। आगे बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है। अब देखिए, जब बात खड़ी बोली के प्रयोग की आती है तो आपको पता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में 1800 ईस्वी को जब दो भाषा पंडित लल्लू लाल एवं सदल मिश्र आते हैं, तो सदल मिश्र की भी रचना आप पढ़ोगे कि नासिकेत उपाख्यान की रचना 1803 ईस्वी में, जबकि लल्लू लाल ने 1805 ईस्वी में जो है रचना की, क्योंकि वो रचना तो पहले से कर रहे थे लेकिन प्रकाशित लेट होने के कारण जो है खड़ी बोली या खड़ी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता साहित्य की दृष्टि से जब बात आती है तो सदल मिश्र का नाम आता है। अगर सदल मिश्र ऑप्शन में ना हो तो लल्लू लाल बताते हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर बात किया जाए, क्योंकि भाषा पंडित के रूप में ये आए हैं और बुलाए कौन थे, तो अगर उसी प्रश्न में कल को आप मान लीजिए देखते हैं और प्रश्न में जॉन गिलक्राइस्ट महोदय का नाम दिया हो, क्योंकि ये भाषा आयोग के एक तरीके से अध्यक्ष थे, कहीं ना कहीं उनको हिंदी भाषा के बारे में ज्ञान रहा होगा, तो अगर मान लीजिए गिलक्राइस्ट का नाम है तो पहला नाम आप गिलक्राइस्ट का दे दोगे, उन दोनों के ऊपर अगर गिलक्राइस्ट है तो, अगर नहीं है तो सदल मिश्र नहीं है, तब जाकर के आप लल्लू लाल का नाम दोगे। और प्रश्न यदि आपसे कह दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तब आप कहोगे कि नाम आ जाएगा अकबर के दरबारी कवि गंग। कौन सा नाम आ जाएगा, कवि गंग का नाम आएगा और इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा का नाम आ जाएगा। और तो और इन सबसे ऊपर अगर नाम दे दिया जाए अमीर खुसरो का, तो 12वीं 13वीं शताब्दी में ही आप पढ़ते हो कि उन्होंने मुकुरियां लिखना प्रारंभ कर दिया था, तो उनका नाम आ जाता है। तो बड़ा ही खतरनाक प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है, उसी बेस पर आपको उत्तर लगाने होते हैं। क्लियर है, आइए, सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की दो गद्य कृतियां प्रसिद्ध हैं, नासिकेत उपाख्यान या चंद्रावती जिसकी रचना 1803 ईस्वी में, रामचरित 1806 ईस्वी में। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र को स्वीकार किया है। इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिससे उदयभान चरित भी कहा जाता है। अब देखो, प्रश्न जब बात आती है श्याम सुंदर दास के अनुसार गद्य लेखकों में पहला स्थान किसका आएगा, तो आप कहोगे इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र, तो पहला स्थान इंसा अल्लाह खां को श्याम सुंदर दास ने यानी किसको माना है, इंसा अल्लाह खां को माना है। इनकी कौन सी कहां रचना को, रानी केतकी की कहानी के आधार पर। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, रानी केतकी की कहानी जो है इसी को उदयभान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव लक्षित होता है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली जो है इसकी वह कैसी शैली है, आख्यात्मक शैली है। लल्लू लाल की रचना जो है इसकी जो शैली है वह कौन सी है, आख्यात्मक शैली है, यह भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। मुंशी सदा सुख लाल की रचना सुख सागर, अब ऐसे नाम लो सदा सुख लाल से सुख सागर याद कर लो, एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव लक्षित होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। यानी अब देखो, जॉन गिलक्राइस्ट जब नाम आ जाएगा तो वहां पर आप सदल मिश्र और लल्लू लाल के पहले बात करेंगे जॉन गिलक्राइस्ट महोदय की। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और
बारा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1663 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेत उपाख्यान की रचना की तथा 1805 ईस्वी में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद भागवत पुराण के दसम स्कंध का खड़ी बोली में गद्य रूपांतरण किया। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। कब पहली बार हुआ तो कौन कर रहा है भैया? सदल मिश्र जी कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय, अब राजा द्वय की जब बात आती है तो दो विख्यात रचनाकारों की बात आती है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद का नाम आता है। राजा शिवप्रसाद को एक उपाधि से भी सुशोभित किया गया है, सितारे हिंद, सितारे हिंद के नाम से। तो आप देखेंगे राजा द्वय का भी प्रश्न कई मरतबे पूछा गया है, तो उसके अंतर्गत राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का नाम आता है। अब देखिए एक संबंध पर चर्चा कर लेते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत मरतबे यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। हिंदी साहित्य में विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी वर्ष और ईस्वी सन में अंतर क्या होता है? एक नॉर्मल डाटा लेकर के हमने लिया ईस्वी सन, मान लीजिए 1000 ईस्वी सन है तो इसमें विक्रम संवत करने के लिए आप 57 जोड़ दोगे तो 1000 मिल जाएगा, 78 जोड़ दोगे तो शक संवत मिल जाएगा, और यदि आप यहां से देख रहे हो कि 593 जोड़ दोगे तो हिजरी संवत मिल जाएगा। तो ये है तरीका आपका जो है निकालने का। इसी तरीके से प्रश्न बनता है, जैसे आपसे एक मर्तबे ये प्रश्न पूछा अखरावट की रचना को लेकर के या फिर मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म को लेकर के, तो वहां से चीजों को आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि 927 आहा, तो आपने इसको जब कन्वर्ट किया तो 1520 आप निकालते हैं ना, चीजों को कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं, जोड़ करके आप निकालेंगे तो वहां पर आप निकालेंगे 493 होगा कि 593 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। तो इस सेशन में हमने आपसे बात किया जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में, इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन पर एवं नामकरण पर। आशा एवं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट सूचना जो है, हमारी किताबें जो है 10 पार्ट में प्रकाशित हो चुकी हैं। जो भी बच्चे किताब खरीदना चाहें तो आप संस्थान के दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट करके किताब भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है अगर एडमिशन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है साथियों? एक बार आप सभी बच्चे थंब का निशान दें।